हे गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाने वाले हैं अंडा लच्छा पराठा। तो आज हम मसालेदार अंडा लच्छा पराठा बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है गेहूँ का आटा, और इसमें हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। अब करेंगे इसे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे इसका एक डो बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स डो तैयार है। इसके बाद हम यहाँ पे डो को 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे इसे एक कटोरे में निकाल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे प्याज। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं आधा कटा हुआ प्याज, जैसे कि हमने 2 अंडे यूज़ किए हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर डाल रहे हैं। और अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, स्वाद अनुसार नमक, और इसके बाद हम यहाँ पे इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं जीरा, और करेंगे इससे फिर से मिक्स। और अब फ्रेंड्स यहाँ पे डो को रेस्ट किए हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे डो लेते हैं। चलिए अब इसे बनाएंगे पराठा। अब हमने यहाँ पे एक लोई ले ली है, और इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा आटा और इसे बेल लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसे रोटी के शेप में गोल बेल लेना है। अब हमने यहाँ पे इसे बेल लिया है। बेलने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ऑयल लगा दिया है। ऑयल को अच्छे तरीके से लगा लेना है। अब हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स आपको जितना तीखा चाहिए उतना लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर डाल रहे हैं अमचून पाउडर। डाल रहे हैं हम यहाँ पे काला नमक। तो हमें यहाँ पे अच्छे से चारों तरफ काला नमक डाल देना है। पिंच ऑफ काला नमक हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब फाइनल हम यहाँ पे डाल रहे हैं चाट मसाला, और इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे इसे ऐसे सेफ्टी से फोल्ड कर लेना है, और इसके बाद हम यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से ट्विस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा, और प्रेस करने के बाद आप इसे 5 मिनट तक रेस्ट के लिए रखेंगे। तो आपका जो लच्छा पराठा है वो बहुत अच्छा बनेगा, और इसमें जो लच्छे हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखेंगे। हम सेकंड तैयार कर लेंगे, और उसे भी हम 5 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स सेम प्रोसेस हम सेकेंड पराठे के साथ भी कर रहे हैं। जो हमने फर्स्ट में डाला लाल मिर्च, अमचून पाउडर, चाट मसाला पाउडर और काला नमक, इसे भी हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड हो जाए तो इसे भी हम रेस्ट के लिए रख देंगे। आफ्टर 5 मिनट फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसे बेल रहे हैं। तो देखिए जब आप इसे बेलोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका लच्छा पराठा है वो एकदम परफेक्ट बना हुआ है, क्योंकि बेलते टाइम भी इसकी जो लेयर है वो आपको दिखेंगी। हमने यहाँ पे इसे बेल लिया है। अब हमारा जो बैटर है, हमने एग बैटर जो तैयार किया है, इसके बाद इसे हम मिक्स कर लेते हैं और पराठे को रखेंगे तवा में। तो अब हमारा तवा यहाँ पे गरम हो गया है। अब तवे में डाल दे रहे हैं मसालेदार लच्छा पराठा, और इसे हम एकदम लो फ्लेम में अच्छे पकने देंगे। और जब फ्रेंड्स ये पक जाए तो हम यहाँ पर इसे पलट लेंगे। अब हम यहाँ पर इसे पलट देते हैं, और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसे सेकंड टाइम भी पलट दिया है, और ये अब अच्छे से पक गया है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे एग, और अब हम यहाँ पे इसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से सब तरफ फैला लेंगे कुछ ऐसे, और गैस की फ्लेम को रखेंगे एकदम लो, और इसे हम यहाँ पे चम्मच की सहायता से चारों ओर अच्छे से निकाल लेंगे, और उसके बाद पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इसे आराम से पलटना है। पलटने के बाद आप देखेंगे कि हल्का हल्का फूल रहा है, और हम यहाँ पे इसमें चम्मच से इसे साइड में सारे एग कर देंगे जो फैल गए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसे लो फ्लेम में अच्छे से इसे पकने देंगे। अब हम यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऐसे हम ऊपर भी ऑयल लगा देंगे ताकि जो लच्छा है वो अच्छा क्रिस्पी बने।
और ऑयल लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो लच्छे पराठे हैं वो कितने अच्छे से खुल रहे हैं, उनके आपको लच्छे भी दिखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद हम यहाँ पे से पलटेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो हमारा एग पराठा है वो बहुत अच्छा बना है। अगर आप इसमें ज़्यादा एग डालेंगे तो आपका जो एग पराठा है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। हमारा यहाँ पे जो एग पराठा है वो तो बनके एकदम रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे कर रहे हैं इसकी प्लेटिंग। ऐसे ही हम यहाँ पे सेकंड पराठा जो है उसे भी हम सेक लेंगे। हमारा सेकंड पराठा भी हो रहा है तैयार। यहाँ पे हमारे मसालेदार लच्छा अंडा पराठा बनके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर रखा है प्याज। तो हमने यहाँ पे जो प्याज ली है उसमें मैंने डाला है चाट मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक। ऐसे हमने यहाँ पे प्याज को मिक्स करके यहाँ पे रख दिया है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये लच्छे पराठे की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।